चलिए अब हम हमारे सर्विंग डिश में हमारे कोल्हापुरी मटन को निकाल लेते हैं। ये देखिए इतना जबरदस्त सा हमारा कोल्हापुरी मटन तैयार है। और फ्रेंड्स इसका कैसा है आप बनाइए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। बहुत टेस्टी है हमारा ये मटन तैयार हो गया है। देखिए हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति मुटकुरे, वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं कोल्हापुरी मटन, झंझनित कोल्हापुरी मटन बनाएंगे फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाला है, सबसे पहले हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी इंग्रेडिएंट्स बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने 1 किलो लैम मीट है ये, और अभी सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा मैरिनेशन इसके लिए तैयार करके रख लेते हैं। तो हमने 1 किलो मटन लिया है, तो उसमें हम 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे टर्मरिक और रेड चिली पाउडर। तो टर्मरिक हम डाल देंगे यानी हल्दी, ये 1/4 टीस्पून के करीब हम हल्दी डाल रहे हैं, और ये है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, तो हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ये डाल देंगे। साथ में हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, और ये है कोरिएंडर एंड ग्रीन चिली पेस्ट यानी हरा धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट। तो हमने 2 हरी मिर्च ली थी और थोड़ा सा हरा धनिया लिया था, उसका ये पेस्ट है, उसको डाल देते हैं। तो ये हमने 2 टेबल स्पून के करीब ये डाल दिया है, और हरी मिर्च हमने सिर्फ 2 ही लिए हैं। और इसके अभी हमें मैरिनेट करना है, तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के पहले फ्रेंड्स इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के ऑयल, और इसे हमें अच्छे से मैरिनेट करना है। हम इसे अच्छे से मैरिनेट करेंगे और इसे हमें 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। अभी इसी मैरिनेशन में हम 1/2 लेमन को स्क्वीज कर देंगे, आधा नींबू डाल देंगे इसमें, अच्छे से मिक्स कर देना है, और फिर इसे हमें 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसे हम ढक के रख देते हैं। जब तक हमारा मटन मैरिनेट हो रहा फ्रेंड्स, हम हमारे कोल्हापुरी मसाला बना लेते हैं। तो कोल्हापुरी मसाले बनाने के लिए हमें कुछ होल स्पाइसेस लगने वाले हैं, तो मैं आपको ये भूनते हुए बता दूंगी। उसमें ये पूरे होल स्पाइसेस लगने वाले हैं, रेड चिली लगेंगी, 5-6 काजू लगेगा, ये 4 से 5 टेबल स्पून भर के अपना को ये है नारियल कीस है मीन्स ड्राई कोकोनट, और गार्लिक है कि लहसुन लगेंगी, अदरक लगेगा और प्याज लगेगा। तो प्याज हमने ये 2 बड़ी प्याज लिए, तो ये साइज की हमने प्याज ली है, साइज हमारा प्याज का ये है, ये साइज की हमने इसमें 2 प्याज लिए। चलिए अब हम इसे हम मसाला तैयार करते हैं। अब हमारे कोल्हापुरी मसाला बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लेंगे हम 3 टेबल स्पून कोरिएंडर मीन्स ड्राई कोरिएंडर सूखा धनिया, तो ये 3 टेबल स्पून है। 1 किलो मटन के हिसाब से हम बना रहे हैं, तो ये 3 टेबल स्पून भर के हमारा सूखा धनिया है, इसे हमें अच्छे से भूनना है। धनिया के साथ में हम डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा मीन्स क्यूमिन, 1 टीस्पून क्यूमिन, ये कैरावा सीड है 1/2 टीस्पून मीन्स हमारा जो साई जीरा नहीं होता है क्या, वो है ये 1/2 टीस्पून, तो ये डाल देंगे। हमें अच्छे से भुनना है। साथ में हमें 2 बड़ी इलायची लगेंगी, ब्लैक कार्डिमन 2 वो रख देंगे हम। अब इसमें हमें स्टार एनिस एंड क्लोव्स, तो हमने 4 क्लोव्स और 1 स्टार एनिस लिए यानी 4 लौंग लिए और 1 चक्री फूल लिया है, इसे भी भून लेते हैं। साथ में 9 से 10 हमारी ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च है, 5 छोटी इलायची मीन्स ग्रीन कार्डिमन 5, साथ में हमारी ये है कलमी मीन्स सिनेमन स्टिक, हमने ये साइड की 2 ली है। हमें इसे अच्छे से भूनना है, बस इस बात का ध्यान रखना गैस का पावर एकदम मीडियम रखें और इसे कम आंच पे अच्छे से भूनना है, इसे हमें सूखा ही भूनना है, इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ध्यान इस बात का ही रखना है कि इसे जले ना बिल्कुल, बस इस बात का ध्यान रखना है। अब इसमें हम डाल देंगे हमारी 6-7 लाल मिर्च सूखी वाली ड्राई चिलीज,
तो लाल मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ही डालिए। वैसे तो कोल्हापुरी है तो थोड़ा सा स्पाइसी रहेगा और बहुत बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। इसे हमें अच्छे से भूनना है। अब ये काफी अच्छे से भून चुका है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हमारा ये कोकोनट, मीन्स ग्रेटेड कोकोनट है ये, हमारा सूखा नारियल जो होता है ये 4 से 5 टेबलस्पून के करीब हमने ये सूखा नारियल लिया है, इसको हमने ग्रेट कर लिया है। अगर सूखा नारियल नहीं है तो आप आपका नारियल का बुरादा होगा या फिर नारियल होगा तो उसको भी ग्रेट करके आप यूज कर सकते हो। तो इसे हमें अच्छे से भूनना है जब तक ये हल्का सा गोल्डन ना हो, बस इस बात का ध्यान रखें कि ये काला ना हो पाए, हल्का सा इसको ब्राउनिश कलर देना है। साथ में हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के खसखस, मीन्स पॉपी सीड, 1 टेबलस्पून पॉपी सीड, और 1 टेबलस्पून हमने ये तिल लिया, मीन्स सेसमे सीड। अगर आपके पास में सफेद तिल है तो और भी अच्छा, मेरे पास नहीं है, मैंने ये वाला तिल डाला है। तो हमें अच्छे से गोल्डन कलर आते तक भूनना है। ये देखिए हल्का सा ये ब्राउन कलर होना हमारा नारियल का शुरू हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम हमारी प्याज डालेंगे। तो हमने ये 2 बड़ी प्याज ली थी, अब साथों साथ इसमें हम डाल देंगे ऑयल, हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देते हैं और इसे हमें अच्छे से भूनना है जब तक ये रेडिश कलर ना हो जाए। इसी के साथ में हम डाल देंगे 5-6 काजू लिए थे हमने, कैशूनट, इसको हम ठंडा होने देंगे और इसे हमें ड्राई ग्राइंड करना है। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हमारी प्याज भी हल्की सी गोल्डन कलर होना शुरू हो गई। तो अब इसमें हम डाल देंगे गार्लिक। तो हमने 1 बड़ी गांठ भर के लहसुन ली है और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, डाल देते हैं। इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे। अब ये भी अच्छे से भून चुका है। अब गैस का पावर हम करते हैं बंद, इसे ठंडा होने देंगे और इसे हमें ग्राइंड करना है। अब हमें इसे ग्राइंड करना है तो हम पहले कोल्हापुरी मसाले को ग्राइंड कर लेंगे, इसको अलग से ग्राइंड करेंगे और ये हमारा प्याज, काजू और लहसुन और अदरक का अलग ग्राइंड करेंगे। इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब हमारे दोनों मसाले तैयार हो गए। अब हमें मटन कोल्हापुरी में और कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो आपको दिखा देती हूँ मैं। अब इसमें हमें जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाले वो है ये टर्मरिक, मीन्स हल्दी लगेंगी, 1 छोटा टमाटर लगेगा, मीन्स टमाटो, अनियन 1 छोटा साइज का लगेगा हमें, प्याज छोटा वाला, गरम मसाला है ये हमारा, कोरिएंडर पाउडर मीन्स धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर मीन्स लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, तेज पत्ता मीन्स बे लीफ लगेंगी और ये ड्राई चिलीज है रेड वाली यानी सूखी वाली लाल मिर्च और हरा धनिया। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए अब हम हमारे कोल्हापुरी मटन बनाना शुरू कर रहे हैं। तो हमने इसमें एक गंजी ली है फ्रेंड्स, उसमें हमने 2 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है। अब उसमें हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, 1/2 टीस्पून हम क्यूमिन डालेंगे मीन्स जीरा, साथ में डाल देंगे 2 तेज पत्ता और ये 3-4 4-5 है वैसे तो सूखी वाली लाल मिर्च, इसे अच्छे से होने देते हैं। और ये हमने जो प्याज ली फ्रेंड्स, एक छोटी सी प्याज, इतनी बड़ी साइज की हमने प्याज ली थी वो है ये, अब इसे भी डाल देते हैं। अब हमारी प्याज भी होने में आ चुकी है, देखिए अब इसमें हम डाल देंगे हमारा मैरिनेटेड मटन, जो हमने मटन को मैरिनेट करके रखा था उसे डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
इसे हमें अच्छे से भूनना है। 10 मिनट के करीब होते आ गया फ्रेंड्स इसे भूनते हुए। अब इसमें हम डाल देंगे हमारा ये मसाला। तो हम इसमें प्याज का पेस्ट डाल देते हैं पहले। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें और साथ में डाल देंगे हमारा ये कोल्हापुरी मसाला जो हमने पानी के साथ में पीसा है। साथों साथ डाल देंगे हम टमाटर जो हमने एक छोटा मीडियम साइज का टमाटर लिया था उसे। ये मसालों को हमें जब तक भूनना है जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे, हम इसे अभी भूनते रहेंगे। चलिए 10 से 15 मिनट के करीब होते आ गया। देखिए हमारे मटन ने काफी अच्छे से ऑयल छोड़ दिया। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें डाल देंगे हम हल्दी मीन्स टर्मरिक। तो जब भी हमने मैरिनेशन के समय डाला था इसलिए हम 1/4 टीस्पून के करीब ही हल्दी डालेंगे। धनिया पाउडर डाल देंगे हम 1/2 टेबलस्पून के करीब। गरम मसाला हम 1/2 टीस्पून डाल देंगे। और ये लाल मिर्च पाउडर है फ्रेंड्स, हमने सूखी वाली लाल मिर्च भी पीसी हुई है और थोड़ी सी फ्राई करने के टाइम में डाली है, तो हम 1/2 टेबलस्पून के करीब ये रेड चिली पाउडर डालेंगे और इसे हमें अच्छे से मिक्सअप करना है। और इसे हमें और कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से भूनना है। इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, मिक्स करेंगे और इसे हमें थोड़ी देर और भूनना है जब तक कि अच्छी तरह से ऑयल ना छोड़े। चलिए अब हम अपने मटन को चेक कर लेते हैं, ये काफी अच्छे से ऑयल छोड़ चुका है। अब इसमें हमें डालना है पानी, हमें मटन गलते तक पकाना है। इसमें हम पानी डाल देंगे 1/2 ग्लास के करीब, हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब ये जो मैरिनेशन किए थे उसमें थोड़ा सा पानी बचा है उसको भी डाल देते हैं। इसे ढक देंगे और इसे हमें पकने देना है। चलिए अब हम हमारी सब्जी को चेक करते हैं, कितनी बढ़िया सी हमारी सब्जी तैयार हो गई है और इसकी ग्रेवी भी देखिए कितनी मस्त बनी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं हरा धनिया, मिक्स करेंगे, गैस का पावर बंद करते हैं और सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। चलिए अब हम हमारे सर्विंग डिश में हमारे कोल्हापुरी मटन को निकाल लेते हैं। ये देखिए इतना जबरदस्त सा हमारा कोल्हापुरी मटन तैयार है। और फ्रेंड्स इसका कैसा है आप बनाइए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी हमारा ये मटन तैयार हो गया है। देखिए झनझनित सा हमारा कोल्हापुरी मटन तैयार है, बेहद टेस्टी होता है फ्रेंड, आप इसे जरूर ट्राई करके देखना। मैंने जो स्टाइल में बनाया है आप वही स्टाइल में इसे बना के देखिए। इसकी ग्रेवी ज्यादा पतली ना करें, थिक ही रखना इस टाइप से। लीजिए फ्रेंड्स तैयार हो गया हमारा झनझनित कोल्हापुरी मटन, बेहद टेस्टी होता है और फ्रेंड्स इसे आप जरूर ट्राई करके देखिए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे की लाइक के बटन को क्लिक कीजिए, मेरी इस वीडियो रेसिपी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ्रेंड्स आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड वंस अगेन प्लीज प्लीज गिव लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।